गाइस वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग जो होने वाली है नवंबर मंथ में, 1 to 10 of November। सो गाइस हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या है, कैसे चल रही है आपकी लव लाइफ, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ओके और गाइस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो गाइस अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके हो सकता है किसी से कुछ परसेंट ही रेजोनेट करे। सो गाइज अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके ओके गाइज तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं लियो के लिए सिंह राशि। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रेस्टिज, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ है गाइस वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी फैमिली लाइफ कह सकेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी दिख रही है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बट मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप में है उसमें प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी तरह के ब्रेकअप से गुजर रहे हो, कि ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। और यहाँ पर जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वो इस वक्त ऐसी है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, आप किसी को बताना नहीं चाहते या बता भी नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन है। बट हो सकता है कि आप इस वक्त की जो आपकी कंडीशन है आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके बट मुझे यहाँ पर साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपकी तरफ है वो। ओके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फिर भी आप ऐसे, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच में हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, के जो भी आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, जो भी आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है। सो गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी आपके पर्सन हैं वो इस वक्त वो आपके इमोशन की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहे हो कि आपके आप कितने पेनफुल सिचुएशन में हो, वो उन्हें कोई भी परवाह नहीं है आपकी। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप उनके लिए अभी भी कहीं ना कहीं फील करते हो। ओके और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, और आप अपने, सबसे पहली बात कि आप अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि क्यों आप उनके साथ थे, इस तरह की सिचुएशन है। ओके एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो आपकी सिचुएशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो। ओके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। बट गाइस मुझे यहाँ पे साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी जो इनर पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके और इस ये जो सिचुएशन चल रही है आप उसे बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्द ही हील कर लोगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त जो भी आप ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, यहाँ पे जो आपके पर्सन है गाइस उन्हें इस वक्त आपकी कोई भी फिक्र नहीं है, या फिर वो आपकी तरफ, आपके इमोशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ओके सो हम देख लेते हैं और कार्ड्स। क्वीन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस वक्त आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस, मेरा सजेशन ये होगा आपके लिए कि आपको किसी से सजेशन लेने चाहिए, अपने जो फैमिली मेम्बर है या आपको जो समझता है उनके उनको आप उनको उनकी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। ओके, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो आपकी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ़ हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड हो सकती है आपके लिए। बट गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आप इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो वो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रही है। ओके, एंड जो भी आपकी सिचुएशन है वो इस वक्त ही रहेगी, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी रिलेशनशिप लाइफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए करेक्ट नहीं थे, बट जो जो फ्यूचर में कोई कोई एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, ओके, जो आपके लिए ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। सो गाइज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट जो फ्यूचर में आने वाली मुझे दिख रही है आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ओके, बट गाइज, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, और खुद को इस काबिल बनाना है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है आपको, ठीक है। सो गाइज, हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। यस, लुक एट योर बिगर पिक्चर, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, ओके, इस वक्त आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, बट गाइज, फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। आपका जो आपकी जो लव लाइफ है गाइज, बहुत अच्छी दिख रही है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है लव लाइफ के हिसाब से मैं देख बताऊँ तो। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि लुक एट योर बिगर पिक्चर। सो गाइज, आप इस वक्त जो भी सिचुएशन में हो, जो भी कंडीशन में हो, सो गाइज, इस वक्त आपको समझ पाना या फिर इस वक्त आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हो कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपकी इस वक्त जो भी बैड सिचुएशन है वो तो आपको किसी ना किसी तरह से झेलनी पड़ेगी, बट जो आपकी फ्यूचर है, जो आपका लाइफ है आगे, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके, और फ्यूचर देखना चाहिए। ओके, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है। ओके, आप जो जिसे अभी आप देख नहीं पा रहे हो, बट यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप उसे देखिए और कुछ अच्छा प्लान कीजिए, बिकॉज़ आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो जो आपके ड्रीम्स को ट्रू करेगा, जो भी आपकी फीलिंग्स थी उसकी वैल्यू करेगा। ओके, सो गाइस, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कंपेयर टू जो पुरानी लाइफ थी वो आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ओके, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपकी न्यू लाइफ होगी, न्यू लव लाइफ होगी गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। ओके ओके गाइज, बाय।